पिंक सिटी के सिटी पैलेस में चल रहा हिस्ट्री फेस्टिवल का समापन हुआ। चार दिनों से आयोजित इस फेस्टिवल में बच्चों को उनके कोर से संबंधित कई जानकारियां दी गई, तो बच्चों ने भी इतिहास से जुड़ी चीजों की प्रदर्शनी को देखकर बहुत कुछ सीखा भी। इस पर एक खास रिपोर्ट देखिए। जयपुर शहर में दूसरी बार आयोजित हिस्ट्री फेस्टिवल में लगे बच्चों की भारी भीड़ ये समझाने के लिए काफी है कि इस फेस्टिवल ने अपने दूसरे ही सीजन में कितनी सफलता हासिल कर ली है। सिटी प्लेस के सवाई मानसिंह म्यूजियम में चार दिन से चल रहे फेस्टिवल का आज कई रोचक प्रस्तुतियों के साथ समापन हुआ। शहर के करीब 28 स्कूलों के 1200 से ज्यादा बच्चे फेस्टिवल में होने वाले कार्यक्रम और प्रदर्शनी को देखने पहुंचे। हिस्ट्री फेस्टिवल के आयोजक संदीप सेठी इसकी सफलता से काफी उत्साहित नजर आए, तो स्कूली शिक्षकों ने भी सम्मेलन की सराहना की। मुझे भी उम्मीद नहीं थी चार दिन में इतने लोग यहाँ पर आएंगे। हमको तो सोचा था कि शायद 400-500 बच्चे डेली का हमने हिसाब किताब रखा था, बट पहले दिन ही 600 थे, अगले दिन 1000, अगले दिन 1500 और आज भी करीब 1200 बच्चे एग्जीबिशन देखने आए हैं। तो आए हैं इसका मतलब है कि प्रचार अच्छा हुआ होगा और लोगों को लगा होगा यहाँ पे कुछ देखने के लिए है तो ही आए हैं। और हमारे को ऑब्जेक्टिव भी हमारा यही था, हिस्ट्री को कितना मनोरंजन रूप से दिखाया जा सके। हाँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा और मेरा मानना है कि ऐसे फेस्टिवल्स होने चाहिए। और मुझे संदीप सेठी सर के साथ काम करने का मौका मिला, मैं पिछले 5 दिन से यहाँ हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और मेरा मानना ये है कि बच्चे सुन के और पढ़ के सीखी हुई चीज़ से देख के और जो सुनेंगे और जो देखेंगे वो ज्ञान हमारा स्थायी होता है। हिस्ट्री फेस्टिवल में हम लोग 4 दिनों से हैं और हम लोगों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया है। हमारे बच्चों ने यहाँ पर कुछ मॉडल्स बनाए हैं विजयनगर टेम्पल पे, और बुद्धिज्म हमारी थीम थी उस पे हमने ये इंस्टॉलेशन किया है। और ये 4 दिन ऐसे रहे हैं कि लाइक दूसरे स्कूल से हमारा इंट्रैक्शन भी हुआ है और बच्चों ने भी देखा हमारा वर्क और हमने भी उनका देखा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हिस्ट्री फेस्टिवल में हम लोग क्या जानते हैं कि हिस्ट्री आखिर होती क्या है, हिस्ट्री के चैप्टर्स में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं वो हम लाइव देख रहे हैं। फेस्टिवल के अंतिम दिन तकसीम नाम के नाटक का मंचन किया गया। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे पर आधारित इस नाटक ने कार्यक्रम में मौजूद हर दर्शक के दिल को छुआ। बंटवारे की पीड़ा को दर्शाते इस प्ले को देखकर हर कोई भाव विभोर हो उठा। प्ले के माध्यम से बच्चों ने समाज को एकजुट होकर रहने का संदेश दिया। दिस इज प्ले अबाउट लाइक दिस, द नेम ऑफ द प्ले इज तकसीम। ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे पे प्ले था। 1947 में 16 अगस्त की रात का ये प्ले था, इन विच वी हैव शोन द पेन जो उन लोगों ने उस टाइम फील किया, जो वो लाशें, बोलना बहुत आसान है कि कट कट के पड़ी हुई थी, बट जो जिन्होंने वो देखी है, जिन्होंने जिनके रिश्तेदार वो थे, कईयों ने तो, कई सिखों ने तो लाइक अपने बाल कटवा लिए, दे बिकेम मुस्लिम जस्ट टू रेस्क्यू देमसेल्व्स, रेस्क्यू देयर फैमिलीज। इससे पहले हम लोग ये सोचते थे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान आज़ाद हो गया, हमको उसके बारे में ज़्यादा कुछ पता भी नहीं था और हम सोचते थे ठीक है आज़ाद हो गया, फटाफट से हो गया, अब हमारा उसके बारे में क्या सोच के क्या काम। पर प्ले के बाद हमने सच में ये फील किया कि कितनी लड़ाइयाँ, कितने लोगों ने अपनी जान दी थी हमारे लिए और हम उसके बाद ही आज़ादी मिली है। हिस्ट्री फेस्टिवल में इतिहास की मोहक झांकियां थी जो पुरातन सभ्यताओं को याद दिला रही थी। एग्जीबिशन के लिए आर्ट इफेक्ट्स बनाने में स्टूडेंट के साथ उनके टीचर भी पीछे नहीं रहे। पुरानी ज्वेलरी हो या क्ले मॉडल्स, प्रदर्शनी के दौरान इनकी हिस्ट्री बताने के लिए बच्चे के साथ उनके टीचर्स भी साथ नजर आए। निम्स स्कूल के स्टूडेंट द्वारा बनाई गई ऑडियो बुक को सुनकर एक दृष्टि बाधित छात्र ने इसे खूब सराहा। ये मोहनजोदड़ो का मैप है पूरा, जो मोहनजोदड़ो एग्जैक्ट हमें जो मिली है उसका पूरा एक हमने मॉडल क्रिएट किया है उसके अंदर, जिसमें ग्रेवयार्ड है, ग्रेट बाथ है, वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम है और वहाँ की टाउन प्लानिंग है, वो सब हमने इसमें क्रिएट करी है। इसमें अराउंड 10 स्टूडेंट के आसपास मेरे साथ में एक टीम थी पूरी, टोटल 5 स्टूडेंट थे, उनके साथ में मिलकर हमने ये सब बनाया है। ये ऑडियो बुक मेरे को बहुत यूज़फुल लगी, इससे मेरे को बोर्ड एग्ज़ाम देने में भी हेल्प होगी, अब मैं अपनी सेल्फ स्टडी खुद कर सकता हूँ। इस दौरान सम्मेलन में आए बच्चों से भी उनके एक्सपीरियंस जाने न्यूज इंडिया ने। पूरे 4 दिन आप आए हिस्ट्री फेस्टिवल? पूरे 4 दिन तो नहीं, मैं सिर्फ 2 डेज आया था। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसा लगा आपको हिस्ट्री फेस्टिवल?
इट वॉज वंडरफुल. मुझे इनके एक्ट्स बहुत अच्छे लगे और सॉन्ग परफॉर्मेंस और डांस था जो कल्चरल वो बहुत अच्छा था. और मुझे एग्जीबिशन में बहुत मजा आया जब मैंने पहले के ऑर्नामेंट्स आर्टिफैक्ट्स और क्ले टैबलेट्स और ड्रेनेज सिस्टम देखे पहले के, तो मुझे बहुत मजा आया. तो आपको क्या लगता है कि जैसे हिस्ट्री आप लोग थ्योरी में पढ़ते हैं और जब वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकल आपके सामने आ गई तो कितना ईजी लगा आपको उस चीज़ को समझना? हमें समझना बहुत आसान लगा क्योंकि जो हम थ्योरिकल पढ़ते हैं वो उतना समझ में नहीं आता, लेकिन जब प्रैक्टिकल करते हैं तो समझ में आता है कि हाँ ये यही था. इससे हमें पता भी चलता है कि हाँ हमारे पुराने हिस्ट्री में ये सब भी हुआ था कभी. इसे हम याद रखने के लिए ऐसी क्या चीज़ थी जो आपको लगता था कि ये बहुत टफ है, मेरे समझ में नहीं आती, लेकिन यहाँ वो देखकर बहुत इजीली आपके माइंड में सेट हो गई? हिस्ट्री में हिटलर का जो चैप्टर है हम लोगों के एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, इट वॉज वेरी वेल एक्सप्लेन्ड बाय स्टूडेंट्स एंड द प्रैक्टिकली हैज अर्लियर सेड वॉज वेरी मच अंडरस्टैंडिंग टू द concept of understanding and it was very wonderful program here and I appreciate the students who eventually participated and motivated other students to participate too. Even the participation of the audience was very great. Has their appreciation made a lot of fun there. गैजेट्स और इंटरनेट से लगाव रखने वाले इस पीढ़ी हिस्ट्री फेस्टिवल एक ऐसा मंच बनकर उभरा है जहां बच्चे अपनी जड़ों को और मजबूत करने का काम करेंगे. इस आयोजन के माध्यम से बच्चों का ज्ञान वर्धन तो हुआ ही, साथ ही उनको अपनी सभ्यता और संस्कृति को भी समझाने में भी मदद मिली. न्यूज इंडिया के लिए हीना ताज की रिपोर्ट.